दोस्तों नमस्कार, यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा उम्र के हिसाब से कौन कौन सी रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। उम्र के अनुसार कौन सी रसायन औषधियों का सेवन करना चाहिए? दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र इतना विशाल एवं सूक्ष्म है कि इसमें हर चीज़ का बहुत ही विस्तार से एवं बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। कब कितनी मात्रा में क्या लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए एवं कौन सी औषधियाँ किसके सेवन करने के लिए है आदि। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उम्र के अनुसार कौन सी रसायन औषधियों का सेवन करना चाहिए। उम्र, इच्छित प्रभाव, उपयोग हेतु रसायन औषधियाँ। नंबर एक से 10 साल बाल्यावस्था, बच्चे स्वर्ण कश्मीरी, 11 से 20 वर्ष वृद्धि कश्मीरी अश्वगंधा बला, 21 से 30 साल छवि लोहा आम्लिकी, 31 से 40 साल मेधा शंखपुष्पी ज्योतिषमती, 41 से 50 त्वक ज्योतिषमती प्रियाल सोमराजी भृंगराज, 51 से 60 दृष्टि ज्योतिषमती त्रिफला सतावरी सप्तामृत लोहा, 61 से 70 शुक्र कौच के बीज एवं अन्य बाजीकरण औषधियाँ, 71 से 80 विक्रम, 81 से 90 बुद्धि, 91 से 100 कर्मेंद्रिया। दोस्तों 71 से 100 के बीच में औषधियाँ हितकर नहीं होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।